मैं इस फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। पिछले कुल समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को कार्य करने का अवसर मिलेगा। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं। 2017 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और राज्य में हर 2 साल के बाद होने वाली महत्वपूर्ण वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जनवरी 2017 में आने वाली है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। बात सच है, आज सुबह ही आनंदीबेन का पत्र मुझे मिला है। वास्तविकता यह है कि आनंदीबेन एक लंबे समय से पद मुक्ति के लिए पार्टी को बताती रही। एक महिला नेत्री के नाते उनका पूरा कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल रहा और गुजरात ने इसमें चहुमुखी विकास को की सिद्धि को प्राप्त किया है। अब इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में जो निर्णय करेगा इसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।